now let us discuss uh, what do we mean by centripetal force and what do we mean by centrifugal force in examination uh, you will find one question uh, that is the differentiate between centripetal and centrifugal force Okay, so i am explaining in very short how you will write in your examination see consider a particle which is performing a circular motion we have said it is having a radial or centripetal acceleration विच इज़ अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अगर पोजिशन रेडियस वैक्टर की डायरेक्शन बताओ तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वैक्टर और ये सेंटर एक्सेलरेशन रेडियस वैक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है लेकिन इफ वी रिमेंबर न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू मास इंड टू एक्सेलरेशन करेक्ट यानी एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस करता है तो फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू फोर्स तो यहाँ पर ये जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है डेफिनेटली ये कोई फोर्स की वजह से होगा वैसे ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आया क्यों है चेंज इन विलोसिटी की वजह से आया है ये कब आता है जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ठीक है और अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आया है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो फोर्स होगा जिसने इस एक्सेलरेशन को डेवलप किया है तो वो जो फोर्स होता है वो जो फोर्स होता है उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स इसी को हम बोलते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बनाता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है ठीक है तो आसानी से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स विच इज़ एक्टिंग along द रेडियस एंड डायरेक्टेड towards द सेंटर क्यों क्योंकि एक्सेलरेशन की और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है ये आप लोगों को पता है ठीक है तो व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स सो यू विल से इट इज़ अ फोर्स या वैन अ पार्टिकल इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन देन अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल विच इज़ अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टूवर्स द सेंटर ऑफ द पार्टिकल इट इज़ कॉल्ड इज वॉट सेंट्रिक फोर्स ठीक है तो दिस इज़ हाउ यू विल राइट द इक्वेशन अब यहाँ पे तुमको ये जो ए सी है ए सी की वैल्यू तुमको पता है ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है तो ये होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर करेक्ट है या आर ओमेगा स्क्वायर भी इसको लिखते हो आप लोग ठीक है तो मैं लिखने जाऊँ तो सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी पी एफ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेंट्रिपिटल फोर्स हाँ एफ सी पी एफ का मतलब होता है तो ये हो जाएगा मास इन टू ए सी की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी है वी स्क्वायर बाई आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर या फिर अगर ए सी की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रखो क्योंकि ए सी की एक वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर भी है तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर वी स्क्यर की बजाय आर ओमेगा स्क्वायर रखता हूँ देखो सिंस वी नो दैट वी इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा यहाँ पर रख दो तो क्या बन जाएगा ये सेंट्रिपिटल फोर्स की एक वैल्यू मिल जाएगी एम वी स्क्वायर सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू उमेगा इस्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आर से स्क्वायर कैंसर तो एक इक्वेशन फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की uh, एक इक्वेशन ये भी है कि ये है एम आर उमेगा इस्वायर ये तो है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स ठीक है अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जाओ क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं तो ये कैसे लिखूंगा मैं ये मैं लिखूंगा इट इज़ माइनस आर बार इंटू एम ओमेगा स्क्वायर जहाँ पे ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा देखो ये निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है या ये जो फोर्स लग रहा है ये रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये कौन इंडिकेट करेगा ये ये निगेटिव साइन इंडिकेट करेगी सो दिस इज़ हाउ यू राइट इन द वेक्टर फॉर्म ये है इसका वेक्टर फॉर्म और इसके डिफरेंट फॉर्म भी हो सकते हैं आसान है तो अभी तक दो पॉइंट आपको पता लग गए अगर डिफरेंशिएट करने के लिए आता है तो पहला पॉइंट आप सेंट्रिपिटल फोर्स में लिखोगे इट इज़ अ फोर्स विच इज़ अलॉन्ग द रेडियस डायरेक्टेड द सेंटर इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स और फार्मूला इसका एफ सी पी एफ इज इक्वल्स टू माइनस आर बार एम ओमेगा स्क्वायर क्लियर है अच्छा दूसरी बात ये भी बात हमको पता है कि ये जो इक्वेशन हमने यूज़ की है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये न्यूटन्स सेकंड लॉ से हमने डिराइव की है और न्यूटन्स लॉज हम वहीं पर लगा सकते हैं या हम कहाँ पर लगा सकते हैं तो हम जस्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अप्लाई कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज वी ऑलवेज वी ऑलवेज से न्यूटन्स लॉज आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट आपने पढ़ा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है इट इज़ आ फ्रेम विच इज़ फिक्सड कोई फ्रेम या कोई रेफरेंस जो कि फिक्स्ड है या फिर उसकी जो विलासिटी है वो कॉन्स्टेंट है तो हम बोलते हैं कि ऐसी फ्रेम क्या होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है ठीक है तो अगर मैं ग्राउंड पे खड़े रहकर इस सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये ग्राउंड फिक्स है मैं भी फिक्स हूँ इसका मतलब ये जो इवेंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और यहाँ पर न्यूट्रंस लॉज वैलिड होते हैं तो आपको एक थर्ड पॉइंट मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स अराइजेज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंट्रिपिटल फोर्स इनर्शियल फ्रेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको दिखाई देता है ठीक है और दूसरी बात एक लास्ट पॉइंट के फॉर सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल जो इस यूनिवर्स में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके लिए ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये मस्ट है ज़रूरी है फॉर एनी सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी तो क्या सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं रहा तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा येस ऑब्जेक्ट कैनॉट परफॉर्म और कैनॉट डू अ सर्कुलर मोशन अनटिल एंड अनलेट सम वन प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट तो ये भी तो सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पर कहाँ पर है सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है टुवर्ड्स द सन दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो किसी को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करना ही पड़ता है ठीक है जैसे कि अर्थ सन के अराउंड में रोटेट हो रहा है तो वहाँ पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड uh, रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को लूँ रोप से बांध के उसको हॉरिजेंटल सर्कल में घुमाऊँ तो टेंशन इन द स्ट्रिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो ये एकदम ज़रूरी है कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं तो फिर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता है तो ये चार पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में क्लियर है पहले तो कि ये अलॉन्ग द रेडियस डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर है दूसरी बात इसका मैग्नीट्यूड एफ सी पी इज इक्वल टू माइनस आर बार एमओमेगा स्क्वायर तीसरी बात इट अराइज इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये क्या है फॉर अ सर्कुलर मोशन इट इज़ अ मस्ट फोर्स इट इज़ अ नेसेसरी फोर्स और फिफ्थ आपको कोई एग्जाम्पल दे दोगे ठीक है डिस्क्रिप्शन में वैसे नोट्स है लिंक से आप डाउनलोड करके एक बार रीड कर लेना इस वीडियो के बाद ठीक है अब जल्दी से देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ठीक है देखो फ्यूगल फोर्स बहुत आसान है सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो है वो एग्जैक्टली exactly इस फोर्स का अपोजिट है सेंट्री पिटल फोर्स सॉरी सेंट्री फ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली सेंट्री पिटल फोर्स का अपोजिट है ठीक है ये जो है ये इसका अपोजिट है यानी सबसे पहले तो ये जो सेंट्री फ्यूगल फोर्स है ये सेंट्री फ्यूगल फोर्स ये कहाँ पे लगता है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल डेफिनेटली ये जो रियल फोर्स है एफ इसको बैलेंस करने के लिए किसी को इधर एक्ट करना पड़ेगा इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए और इस पार्टिकल को सरकमफ्रेंस पर बनाए रखने के लिए इस फोर्स को अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करना पड़ेगा और ये जो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर है इसी को बोला जाता है कि ये क्या है सेंट्री फ्यूगल फोर्स द फोर्स विच इज़ अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्राम देंटर ये सेंटर से बाहर की तरफ अवे फ्राम देंटर इट इज़ कॉल एज सेंट्री फ्यूगल फोर्स आसान है द फोर्स विच इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर इट इज़ कॉल एज सेंट्री फ्यूगल फोर्स क्लियर अब दोनों ये सेंट्री पिटल फोर्स का एक्जैक्टली exactly अपोजिट है और हमने क्या लिखा है सेंट्री पिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है या फिर एफ सी पी एफ़ को ऐसे लिखा है हमने ये कितना होता है आ एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ठीक है इसमें एक निगेटिव साइन होती है अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ठीक है ये निगेटिव साइन होती है यहाँ पे तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लिखोगे बहुत आसान है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन यहाँ पे अब निगेटिव साइन ऐड नहीं करेंगे ये क्या रहेगा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे देखो सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है देख लो ये रेडियस वेक्टर और ये सेंट्रिफिकल फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो फॉर्मूले में लिखोगे एफ सी एफ एफ इज इक्व टू एम आर बार ओमेगा स्क्वायर या फिर सेम मैग्नीट्यूड ये ये हम लिखेंगे शायद ये माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर और इसको लिखेंगे सेंट्रिफिकल फोर्स को प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर आसान है दो पॉइंट मिल गए सेंट्रिफिकल फोर्स इज़ अ फोर्स which acts along the radius and directed away from the center directed away from the center formula is fc ff is equals to plus mr bar omega square theek hai ab centrifugal force kahan pe arise hota hai to aasan baat hai jaise ki centripetal force kahan pe lag raha tha non inertial frame mein theek hai ये लग रहा था non inertial frame में तो अब ये जो force है exactly centripetal force का opposite है तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पर लगेगा सॉरी ये इनर्शियल फ्रेम में लग रहा था कौन सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट अराइज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है तो ऐसी फ्रेम ऐसी फ्रेम जिसके पास क्या होता है एक्सलरेशन होता है जिसके पास विलासिटी होती है ठीक है चेंजिंग विलासिटी तो हम बोलते हैं कि ऐसी फ्रेम जिसके पास कुछ एक्सेलरेशन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जैसे कि एक कार है हम कार में बैठ के जा रहे हैं हमने अचानक से कर पर टर्न लिया तो विल विल एक्सपीरियंस अ आउटवर्ड फोर्स तो वो जो कार है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो देयर वी फील अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है अब ये जो फोर्स है इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स हाँ ये एक पॉइंट रह गया इट इज नॉट रियल फोर्स कौन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये रियल फोर्स नहीं है लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स में एक पॉइंट ऐड कर देना कि ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये रियल फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स अब रियल फोर्सेस क्या होते हैं रियल फोर्सेस जिनका हमको कॉज पता होता है रियल फोर्सेस आर ड्यू टू नोन इंटर लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमको कॉज पता नहीं होता इट दे आर ड्यू टू अन नोन इंटर क्लियर है तो ये दो पॉइंट भी हम ऐड कर देंगे ठीक है और लास्ट पॉइंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये है कि इट इज द इफेक्ट इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ये सर्कुलर मोशन का इफेक्ट है सेंट्रिपिटल फोर्स क्या था इट वॉज नेसेसरी फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन तो दिस इज़ हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाँ दोनों में एक एक एग्जाम्पल भी दे देंगे देखो एक एग्जाम्पल इसका दे देना सेंट्रिपिटल फोर्स का कि इफ यू इफ यू टाई अ ऑब्जेक्ट अब्जेक्ट अ थ्रेड एंड यू वर्ल इट इंटू द हॉरिजेंटल सर्कल then unnecessary centripetal force is provided by tension in the string yeah for example electron revolving around the nucleus in a circular orbit necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus ये होता है न्यूक्लियस और यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये भी सर्कुलर मोशन है यहाँ पे कौन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कितना हो जाएगा एम वी स्क्र बाई आर और यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वन अपॉन फोर पाई एपसाइल नॉट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सिंपल यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है तो इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल आप लिख लोगे कहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स में ठीक है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए सो so, एक एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि इफ़ यू आर सिटिंग इन द कार एंड द कार इज मूविंग अलॉन्ग कर्व रोड देन वाइल मूविंग यू एक्सपीरियंस आउटवर्ड फोर्स और सीडो फोर्स इसको फोर्स भी बोला जाता है ये जो नॉट रियल फोर्स है इसको सीडो फोर्स भी बोला जाता है ठीक है तो यू एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसा सीडो फोर्स और नॉट रियल फोर्स आउटवर्ड फोर्स तो वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स होता है सो आई होप दोनों का डिफ्रेंसिएशन पता लग गया लिंक से नोट्स डाउनलोड करके जल्दी से रीड कर लो ये क्वेश्चन दो मार्क के लिए आता है एग्जाम में